जिस तरह तवक्को थी सारों को कि जी इंडिया कम बैक करेगा स्ट्रांगली, और उन्होंने उसी तरह ही किया है। और ये पिछले दफा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, दूसरी टीमों के खिलाफ भी इसने वाली चीज की। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का, आपके दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड, ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर। अश्विन क्या बॉलर बन चुका हुआ है, अश्विन किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा, के सुपर परफॉर्मेंस दिखाइए यार, मतलब कि आप देखें कि इंडिया ने उड़ा करके रख दिया। रविचंद्रन अश्विन तो शाहरुख खान की फिल्म वाले मैं हूं ना वाले करेक्टर बन चुके हैं। विकेट चाहिए मैं हूं ना, रन चाहिए मैं हूं ना, मैच जिताना है मैं हूं ना, एक्सपीरियंस दिखाना है मैं हूं ना, इंटेलिजेंस दिखानी है मैं हूं ना। अगर आप यहीं से अपने पड़ोसी मुल्क भारत की मिसाल ले लें तो कुछ इनको ब्रेक करते हैं। पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं वो सिर्फ अपनी बॉल को कंटेन करते हैं, विकेट टू विकेट और आम बॉल में बिलीव करते हैं, उनका गेंद का ब्रेक होता नहीं है। मतलब अश्विन एकदम लकी है थिंकिंग, उसकी हाइट है, उसकी लेंथ बड़ी ऑकवर्ड उस पर पड़ती है, उसको खेलना आसान नहीं है। एंड great comeback for him, he deserved to be back, and it just shows, you know, his comeback, the way he bowled, matlab 12 saal baad ek aadmi agar test match khel raha hai itne control se bowling kar raha hai, so it just shows ki yaar kitna fayda hota hai agar aap domestic regular khel rahe hote hain। pakistan ke paas koi aisa bowler nahi hai jo gend ko break karta ho, jo cricket ke andar ek impact dal sake, jo out kar raha ho, sirf ye container hai, in logon ko break sikhna padega, otherwise pakistan ka ye jo spin attack hai ye bhi pakistan ke liye khud khatra sabit ho sakta hai। agar kamal kism ki baat mein aake ravichandra ashwin ne wickets lekar diye, bhai aisi wahan par wicket hai ki ravichandra ashwin wicket nahi lega to main lunga, aap lenge ya pacer lenge, वहां पर हमें पता है कि चेन्नई के अंदर कितनी गर्मी होती है। जिस वक्त जो है मिड के शो में भी हम आए थे, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि रविचंद्र अश्विन जो है वहां पर विकेट लेगा, और वही हुआ कि रविचंद्र अश्विन ने जो है वहां पर कमाल किस्म की जो है बॉलिंग की थी। मैच के मजे जो है आपके वो पहले सेशन में, जैसे कि कल आपसे लिखा था और कहा था कि पहले सेशन में मोस्ट लाइकली जो है वो इंडिया ये मैच अपने नाम कर लेगा, और वैसे ही हुआ, पहले सेशन में मैच अपने नाम कर लिया। और थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई शकीब और शांतु के, और फिर जैसे शकीब आउट हुआ फिर तो चल तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, था 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 था। और अश्विन व्हाट अ गाय, करना कोई बांग्लादेश की बैटिंग से सीखे कि अब तो खीर ही होगी, तारीफ करनी बनेगी कि जिसको कहते हैं अश्विन हो गए। तो इनकी बात करें तो बांग्लादेश जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद एकदम से कोलैप्स करके इनकी आदत है करना, खैर इंडिया का जिसको कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन हो चुकी हुई है। अगर मैं बात करूं आज के दिन की, आज का दिन किसके नाम हुआ, तो ऑब्वियसली आज का दिन इंडिया के नाम ही हुआ। कहानी ऐसी नजर आ रही है और एक बहुत बड़ी इंडिया की जीत सामने, बहुत बड़ी जीत और बांग्लादेश की एक बड़ी हार एक करीब है। लेकिन 61 पर बुमराह ने जब पहली विकेट ली, जाकिर को आउट किया, उसके बाद अश्विन ने पूरा गेम टर्न अराउंड कर दिया। क्या शादमान थे, क्या मोमिनुल हक थे, या फिर क्या मुशफिकुर रहीम थे। हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा, और उन्होंने लगा दिया है। मुझे पूरा बिलीफ इसलिए था कि ये हिंदुस्तान में खेल रही है, जो ही रोहित शर्मा जैसा या फिर अश्विन जैसा ऑलराउंडर शो करेगा, एक और ही स्पिनर को बेहतरीन खेलने वाले हैं। जो रोहित शर्मा ने टोन सेट की आपकी, उसके बाद नो चांस, नो देश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को, तास्कीन अहमद, बड़ा मतलब उनका अपना बांग्लादेश के अंदर बहुत नाम है और वैसे भी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई है, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे थे कि यही टीम पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अच्छा खेली है मगर इंडिया के अंदर आके इनको क्या हो गया। तो उन्होंने वजह बताई जो उनको खुद को लगी कि ये एक वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम में वो दम नहीं दिखा इंडिया के अंदर जो उनको पाकिस्तान के अंदर दिखा। उन्होंने बोला कि इंडिया में आकर हमें ऐसी बॉल के साथ खेलना पड़ा, और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज़्यादा यूज्ड टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं, और हम इसके यूज्ड टू हैं नहीं, और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इसने इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीज़न है, एससी का जो बॉल है वो एक रीज़न है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दोस्तों आप मतलब रांची ट्रॉफी या डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेल के टीम में आते हैं ना, तो अगर आपने मतलब लाइन लेंथ और परफॉर्मेंस वाइज अगर आपने अच्छा करना है टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको डोमेस्टिक का जो एक्सपोजर है वो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर हैंडल करने का जो आदत आपको पड़नी चाहिए टू प्ले अंडर प्रेशर, दैट कम्स फ्रॉम द आईपीएल, फ्रॉम दिस लीग्स। आई अग्री 100%, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा गावस्कर साहब ने, इसलिए क्योंकि T20 क्रिकेट जो आप खेलते हैं फ्रेंचाइजेस की, तो उसमें प्रेशर तो आप यू लर्न टू डेवलप हाउ टू हैंडल प्रेशर। जो लग रहा है कि बांग्लादेश जिसको कहते हैं काफी नीचे चला गया अच्छे स्टार्ट के बाद, और दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया की, तो इंडिया की बॉलिंग जिसको कहते हैं ना इस सीरीज के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रही है, और बल्लेबाजी तो दिखाई रही है, गिल की सेंचुरी, दो सेंचुरियां तो आ चुकी हुई है। देखा जाए तो नो डाउट इंडिया जिसको कहते हैं स्ट्रेस मैच में स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ खड़ी हुई है। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब, और उसके बाद एक के बाद एक विकेट, और फाइफर भी कंप्लीट किया, बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, और 100 भी किया इसमें। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स के जो ये काम पहले भी कई बार कर चुका है, और जो कि बहुत ही बड़े फखर की बात होती है, फाइफर भी लेना और 100 भी करना उसी मैच में, इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो ही इज जस्ट बिहाइंड बॉथम दैट लिस्ट, वो भी आगे कहीं ना कहीं ये पूरी कर लेगा द वे ही इज प्लेइंग।
मैंने इंटरव्यू करा ये अभी रिसेंट 100 के बाद भी देखा यशविन का, तो ही इज अमेजिंग, कह रहा मैं अपनी बैटिंग पर भी अच्छी खासी मैं मेहनत करता हूँ, ऐसी तो 100 नहीं आ जाता ऑल ऑफ अ सडन, तो बात भी ठीक है, नंबर 8 पे खेलते हुए ऐसी बल्ले से 100 तो नहीं आ जाता ना, वो भी 90 के स्ट्राइक रेट से, वो भी वहां पे के जहां पे बाकी स्ट्रगल भी कर रहे हूं, और फिर विद द बॉल ही इज अ प्योर मैजिशियन यार, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी, बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकेटे हैं ठा करके आई हैं, और अपने होम ग्राउंड में इतने बड़ी तादाद में आज लोग मैच देखने आए, संडे का दिन भी है, और अपने होम ग्राउंड में वहां पे अपने क्राउड के सामने लोकल बॉय है, इतनी अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस, लास्ट टाइम वन ही प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड तो ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें 100 भी किया था और उसमें आउट भी किए थे। ये तो रही बस एक महज कार्रवाई, इंडिया की जो डोमिनेशन अपने घर के ऊपर है जो कि किसी टीम को अपने करीब नहीं भटकने देती, 17 कंसेक्यूटिव सीरीज विन इंडिया पिछले 12.5 सालों से, तो वो जो एक महज नंबर है, वो नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स एक सच्चाई है इंडिया की डोमिनेशन की अपने घर के ऊपर या अपने घर के बाहर, और टेस्ट क्रिकेट को जो इज्जत देते हैं, टेस्ट क्रिकेट को जो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो अपने आप को डेडिकेट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपनी अपनी क्रिकेट को की ग्लोरी को ढूंढते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस इसी तरीके से होती हैं। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहां यह समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है, या फेजेस में बांग्लादेश अच्छा नजर आया और बिल्कुल टेबल्स को टर्न कर दिया। ये ऐसी कहानी हो गई कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान फेजेस में अच्छा खेल रहा है, लेकिन एज अ यूनिट बात करें, एज ऑल इन ऑल बात करें, तो बांग्लादेश वॉज अ टीम जिन्होंने पाकिस्तान को फेजेस से आगे निकलने नहीं दिया। और तो बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी, क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इस पे हम 2 बार फारी कर देंगे बांग्लादेश को, और वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चने चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है, और कोई बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है, 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला है और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड ऑब्वियसली नो डाउट ही वुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच हियर टू, तो बहुत ही शानदार बात है, और बर्थडे भी है, 38 इयर्स एज भी हो गई है, तो अपने आप ही को दुनिया तो गिफ्ट देती रहती है, लेकिन अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट देना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए बांग्लादेश कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचे कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसे तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते ऐसा करते वैसा करते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रहा है बांग्लादेश की हार को लेकर के। दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया, वहीं पाकिस्तान चर्चा कर रहा है कि अश्विन ने बांग्लादेश को ऐसे झटके दिए कि वह देखते ही बनते थे, उन्होंने बांग्लादेश के 6 विकेट उड़ाए। भारत ने बांग्लादेश को चेपाक में खेले गए पहले टेस्ट में 280 रनों से हरा दिया और बांग्लादेश की टीम चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 234 रन पर ही सिमट गई और भारत ने 515 रनों का लक्ष्य दिया था। अश्विन ने 6 विकेट और जडेजा ने 3 विकेट झटके टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। मैच में बांग्लादेश की हार को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी मजाक उड़ाता नजर आ रहा है, वह बोल रहा है कि पहले तो बहुत ही उड़ रहे थे, अब क्या हो गया, ये बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने पस्त नजर आई। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।